हाँ जी, सत श्रीकाल जी। मैं ताडा छोटा वीर हलका खेमकरन के बारे गल करते हैं। सब तो पहला तो मैं हलका खेमकरन के निवासियों नूं बहुत बहुत वधाइया जिन्हां आई टी लीड का सरदार सरवण सिंह धुन जी नूं जिताया। साढ़े कुछ मुद्दे आ ते कुछ बेनती भी आ। सब तो पहला असीं भगवंत मान जी नूं बेनती करते हैं कि जिहड़ा साडा जिहड़ा हलका खेमकरन हलका है, एक पछड़िया देहाती हलका है, ठीक है जी। इत्थे कुछ एजुकेशन सिस्टम जो सही नहीं हैगा, मतलब इंडस्ट्री वगैरह साढ़े कुछ ने, जां कि साढ़े जिहड़े नौजवान ने वो उन्हां नूं बाहर जाना पैंदा, दूसरे राज जाना पैंदा है, गुजरात जाना पैंदा, राजस्थान जाना पैंदा, ठीक है जी। असीं भगवंत मान जी दे अगे इहो बेनती करते हैं, इस जिहड़ा हलका खेमकरन आ इत्थे इंडस्ट्री लगाई जाए, तां जो साढ़े जिहड़े हलका निवासी आ बाहर ना जाण, इत्थे आपदी मेहनत कर। उस तो बाद जो साढ़े मुद्दे आ वो सब तो पहला एक एजुकेशन जो सारा पंजाब चाहुंदा है, एजुकेशन ते अपना जिहनूं सस्ती ते वधिया स्कूल बनाए जाण। उस तो बाद एक मुद्दा हैगा साडा सारी जनता पूरे पंजाब का मुद्दा आ होस्पिटल, जिन्हां तो एजुकेशन ते होस्पिटल च लुटिया जा रहा है, ये चीज़ नूं खत्म किया जाएगा। उस तो बाद मैं सरदार सरवण सिंह जी धुन जो एक आम आदमी है ते साडा खेमकरन हलके तो वड्डी लीड ने जिते ने, मैं तो यही चाहना हाँ भगवंत मान जी करके बेनती करता हाँ कि सरदार सरवण सिंह धुन जी को एक अहम जिम्मेदारी दिती जाए जो कि साढ़े हलके का पद्धर उच्चा कर देन, साडा हलका खुशहाल कर दे, ये जिहड़ा पछड़े का जिहड़ा साढ़े कलंक लगा ये मका देन। तो इस उम्मीद साड़ी जिहड़ी हलके की जनता है उन्हें इस उम्मीद सरदार सरवण सिंह धुन जी ने वोटा पाइया, एक आस ही है, इस आसते ही बैठे हाँ। बाकी असी मैं फिर भगवंत मान जी को बेनती करता है कि सरदार सरवण सिंह धुन जी ने एक अहम जिम्मेदारी दी है जिन्ना साडा हलका खुशहाल हो, इस शेयर करो यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप। धन्यवाद।